हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर नेशन में। एंड आज की क्लास में हम लोग सुपर यूजर कैसे करते हैं क्रिएट जंगो प्रोजेक्ट में, ये सीखने वाले। अब इसकी नीड क्यों पड़ी कि जैसे मैं चलो मैं यहाँ पे एक नया टैब ओपन करता हूँ, यहाँ लिखा मैंने लोकल होस्ट स्लैश एडमिन। ठीक है, अगर हम लोग एडमिन को ओपन करेंगे तो यहाँ पे यूजर नेम ये ओपन हो गया। ठीक है, बट अगर मैं इसको लॉग इन करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ना तो हमारे पास यूजर नेम है ना ही हमारे पास पासवर्ड है। तो जब भी आपको यूजर नेम और पासवर्ड करना होता है क्रिएट, तो उस केस में हम लोग किसका यूज करते हैं, सुपर यूजर का यूज करते हैं। तो चलते हैं अपने वीएस कोड में एंड हम लोग करते हैं क्रिएट। तो पहले मैं सभी टैब्स को क्लोज करता हूँ राइट क्लिक करके क्लोज ऑल। एंड इसके बाद हम लोग आएंगे अपने टर्मिनल में। पहले हम लोग अपना सर्वर करेंगे क्लोज कंट्रोल प्लस सी से क्लियर स्क्रीन। ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग अपना पहले कमांड चलाएंगे यहाँ से पाइथन मैनेज डॉट पी वाई एंड माइग्रेट। तो माइग्रेट क्यों करते हैं कि जेंगो हमको बाय डिफॉल्ट कुछ टेबल्स कराता है प्रोवाइड। ठीक है, तो उन टेबल्स को मुझे करना है एग्जीक्यूट, तो उसके लिए मुझे चलानी पड़ेगी कमांड माइग्रेट कमांड। एंटर करते हैं तो जेंगो की जितनी भी डिफॉल्ट टेबल होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी हमारी। इसके बाद अगेन करते हैं क्लियर स्क्रीन। एंड यहाँ पे आने के बाद अभी हम लोग करेंगे सुपर यूजर क्रिएट। कैसे लिखेंगे, देखो पाइथन मैनेज डॉट पी वाई क्रिएट सुपर यूजर। ठीक है, उसके बाद आपको एंटर करना है फिगर स्किप ड्यू टू नॉट रनिंग इन टी टी वाई मैनुअली। तो जब भी इस तरीके से आपको कोई मैसेज दिखाया कुछ भी दिखाया, तो इसके लिए हम तो एक देखें एक बार जेंगो कमांड नहीं चलेगी यार, वो चलेगी। तो ब्राउजर पे आते हैं एक बार और ये जो एरर आ रहा है ना, तो मैं कंट्रोल प्लस सी से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद ब्राउजर पे गए एंड नया टैब ओपन करके यहाँ पे हम लोग एंटर कर देते हैं। दिखा रहा है नॉट एबल टू क्रिएट सुपर यूजर जेंगो मैनेज डॉट वाई फाइल वाई टी टी, यस यही दिखा रहा है। इसे कैसे करेंगे देखो सॉल्व, इसको करते हैं स्क्रोल एंड यहाँ पे गिट बैश प्रोफाइल पाइथन मैनेजर पी वाई, यही किया था हम लोगों ने गिट बैश। तो जब हम लोग गिट बैश का यूज करते हैं ना, तो हमें ना यहाँ पे लिखना होता है विन पी टी वाई। तो विन पी टी वाई का यूज करके अगर हम लोग क्रिएट करेंगे ना, तो हमारी कमांड इजिली क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो मैंने अब विन पी टी वाई लिखा राइट क्लिक करके विन पी टी वाई, एंड इसके बाद बाकी जो कमांड है वो लिख देंगे हम लोग पाइथन मैनेज डॉट पी वाई क्रिएट सुपर यूजर। इसके बाद एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे जो कमांड जो एरर मिलता है ये एरर चला जाएगा। इसके बाद आपको यूजर नेम देना है, तो मैं यहाँ पे एडमिन दे देता हूँ। ईमेल एड्रेस मांग रहे हैं हमसे, सो एडमिन एट जीमेल डॉट कॉम पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड हम लोगों ने एंटर एडमिन लिखा, इसके बाद एंटर कर दिया। अगेन बोल रहे हैं हमसे अगेन एडमिन एंटर, मैच नहीं हुआ अगेन डालता हूँ। ओके, सो बोला है कि द पासवर्ड इज टू सिमिलर टू द यूजर नेम, दिस पासवर्ड इज टू शॉर्ट, इट मस्ट कंटेन एटलीस्ट एज कैरेक्टर एंड बायपास वैलिडेशन एंड क्रिएट सुपर यूजर एनीवे। तो हम यस कर देते हैं क्योंकि हम लोग लोकल मशीन पे चला रहे हैं इस प्रोजेक्ट को। इसके बाद एंटर कर देते हैं, सो सुपर यूजर क्रिएट सक्सेसफुली हो चुका है क्रिएट। इसके बाद मैं करूंगा क्लियर एंड देन हम लोग इसको रन कर देंगे एप्लीकेशन को। यहाँ लिखना है पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। ठीक है, फिर ब्राउजर पे आएंगे हम लोग एंड ब्राउजर पे आने के बाद इसको क्लोज कर देंगे हम लोग, किसी किसी काम का नहीं है। एंड हमारा एडमिन पैनल तो मतलब एडमिन का जो डैशबोर्ड है तो ओपन हो गया। एंड मैंने यूजर नेम क्या रखा था अपना एडमिन, एंड पासवर्ड यहाँ पे टाइप कर देंगे हम लोग एडमिन। इसके बाद लॉग इन कर देंगे, तो ये हमको जेंगो का जो डिफॉल्ट डैशबोर्ड है ये हमको मिल जाता है। ठीक है, सो हम लोगों ने सीख लिया आज की क्लास में किस तरीके से हम लोग सुपर यूजर करते हैं क्रिएट और कैसे हम लोग जेंगो का जो एडमिन पैनल है वो लॉगिन कर पाएंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे हम लोग कि हम इस कंप्लीट प्रोजेक्ट के अंदर जो टेम्पलेट यूज करने वाले हैं और कैसे हम लोग स्टैटिक फाइल का सेटअप करेंगे, ये सारी चीजें सीखेंगे हम नेक्स्ट क्लास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।